किसी ने क्या खूब कहा है, हम जितनी दुनिया देखते जाते हैं हमारे नजरिए का दायरा उतना ही बढ़ता जाता है। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक नए एपिसोड में वैंडरर K2 के राइडिंग सोलो फ्रॉम बेंगलुरु टू गुजरात। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। सो राइड प्लान जो है यहाँ से मतलब बेंगलुरु से मुंबई आज का राइड होने वाला है। बेंगलोर से मुंबई इज 1000 किलोमीटर्स, थोड़ा टफ है एंड ऑलमोस्ट 200 प्लस किलोमीटर आ चुका हूँ, चित्रदुर्गा क्रॉस कर चुका हूँ। तो देखता हूँ कितने बजे तक मुंबई पहुँचता हूँ, देन मुंबई में होगा एक रेस्ट डे, देन मुंबई से स्टैचू ऑफ यूनिटी, फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी से रन ऑफ कच्छ। तो देखते हैं कहाँ कहाँ तक कितना कवर कर पाते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, सारे एपिसोड्स ज़रूर देखिए। इतना ही, तो कंटिन्यू करते हैं राइड को और देखते रहिए वैंडरर K2। सो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ GoPro, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे जब स्टार्ट किया था तो ज़बरदस्त अंधेरा था और उस वक्त शूट करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि सब डार्क डार्क आता। अब जो अगला स्टॉप होने वाला है, नेक्स्ट ब्रेक, वो होने वाला है ब्रेकफास्ट ब्रेक। अभी टाइम हो गया है 9:40, अभी तो ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। तो यहाँ पे पार्किंग खोजते हैं गणेश होटल के पास और करते हैं ब्रेकफास्ट। ओके, सो नाश्ता पानी डन। अभी जरूरत है एक पावर नैप का, थोड़ी दूर चलते हैं फिर लेंगे एक पावर नैप, ऑफ कोर्स नॉट वाइल राइडिंग। किधर रुक के, वेलकम बैक। सो टाइम इज 2 PM नाउ और महाराष्ट्र में हुबली के बाद एक्चुअली ज़बरदस्त गर्मी है, कोल्हापुर में भी ज़बरदस्त गर्मी है। सो एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, हाईवे साइड होटल पे रुके हैं, बाइक को पार्क किया है शेल्टर के नीचे एंड टेकिंग रेस्ट। सो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, लंच करेंगे एंड फिर रेस्ट करेंगे, देन विल मूव टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। सो पुणे इज़ क्लोज टू 250 किलोमीटर्स। सो देखते हैं पुणे पहुंच पाते हैं, पुणे तो आराम से हो जाएगा, या फिर आई विल बी एबल टू मेक इट अप टू मुंबई। सो यहां से सतारा इज़ अनदर 75-80 किलोमीटर्स और 50-40 किलोमीटर्स का जो रास्ता है वो उतना अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाट द अपडेट आई हैव गॉट जस्ट नाउ फ्रॉम द रेस्टोरेंट। सो देखते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा लंच करते हैं, देन यहाँ से निकल। सिंपली खा रहे हैं लंच में, दाल खिचड़ी एंड कर्ड। सो लंच हो गया, काफ़ी लंबा ब्रेक भी ले लिया, टाइम इज़ 3 बज गया, ऑलमोस्ट 1 आवर, मोर देन 1 आवर एक्चुअली, 1 आवर 15 मिनट्स हो गया यहाँ पे। सो अब मोस्टली ट्राई करेंगे अप टू पुणे। गर्मी तो है बट इट्स मैनेजेबल, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। सो तो पुणे के आउटस्कर्ट्स में हूँ, पुणे इज़ अनदर 25 किलोमीटर्स, 6 बजने वाला है, स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक, थोड़ा
थोड़ी देर में होने वाला है अंधेरा। सो डेस्टिनेशन इज अनदर 174 किलोमीटर एंड एज पर गूगल बाबा इट इज 4.5 आवर्स। एक्चुअली इफ आई सेलेक्ट 4-व्हीलर इट शोज लेस टाइम क्योंकि एक्सप्रेसवे से दिखाता है, बट द सैड पार्ट इज 2-व्हीलर्स आर नॉट अलाउड ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, तो ओल्ड हाईवे पकड़ के जाना पड़ेगा और इसलिए लगेगा टाइम ज़्यादा, नहीं तो 4 घंटे में मैं पहुंच जाता। बट अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो टाइम इज 7:34 PM एंड क्रॉसिंग लोनावाला। सो ये लोनावाला का मेन मार्केट है, इसलिए मस्त ट्रैफिक है, पूरा पार्किंग। चिक्की 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 की दुनिया का बेताज बादशाह लोनावाला मार्केट, मगनलाल चिक्की, मार्वेल चिक्की, मालवानी थाट चिक्की। तो भैया पहुंच गए साकी नाका की माँ का। ट्रैफिक ओ भाई, क्या ट्रैफिक है भाई, फाइनली। ये तुम बाइक खड़ा दिया, ये बाइक वो चला नहीं रहा है क्या? The next day. Good morning, Mumbai mornings. Welcome back and very very happy new year 2023. So yesterday around 10:15 reached this place called Andheri East. So it was one hell of a ride, and so far this was my longest ride as a solo and most distance covered in a day, 1000+ kilometers. So आज है rest day, relax, chillax and कहीं जाएंगे आसपास just to celebrate 1st January 2023. So आज का दिन relax, then कल statue of unity. हम निकल पड़े कुछ पुराने दोस्तों से मिलने और मुंबई में पाव भाजी खाना है जरूरी, वरना आपकी यात्रा रहेगी अधूरी। So that's all from today, 1st January, start of the year 2023. Well spent. Best part was Pav Bhaji at Juhu Beach. Mast maza aa gaya. So itna hi. फिर मिलते हैं कल सुबह मोटरसाइकिल पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।